पैसे दिए गए थे उस वक्त आप लोगों को? एक एक करोड़ तो सबको 1 करोड़ रुपए दे, किसी को ज्यादा किसी को कम दिए गए थे? यार, रियली आई डोंट नो, लेकिन मुझे इतना पता है कि पैसे ये दे रहे थे स्पीकर हाउस में। तकसीम कार क्या था? मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं पर 17 बंदे बिठाए थे, कहीं पर 16 बंदे बैठे, बस ये क्यों इस कर रहे हैं? तरह एक कमेटी थी जो मतलब इनको अपने जो सेंटर उम्मीदवार थे वो उन्होंने एक रूम में बिठाया, दूसरे को दूसरे रूम में, तीसरे को तीसरे, चौथे को चौथे रूम में, और इस तरह 16 और 15 और 14 और 10 तक इस तरह एमपीएस को उस रूम में ये ले जाते थे ना। तो उस वजह से मतलब मुझे इतना अंदाज़ा है कि मतलब जो बात मेरे सामने 3-4 एमपीएस के सामने इन्होंने किए, तो लाजमी बात है कि सबको इन्होंने पैसे दिए और सबको सपोर्ट किया था। और ये क्या पैसे थे 1 करोड़ रुपये? ये भी पैसे हैं सर। इस वक्त जो आप परवेज खटक पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपके पास कोई सबूत है, जब आप अगर अदालत जाएंगे तो क्या सबूत पेश करेंगे जब इंक्वायरी, क्योंकि वजीर कानून भी यही कह रहे हैं कि इंक्वायरी तक मैं खामोश हूँ। ये इन्होंने जो वीडियो बनाई है तो इनको चाहिए कि ये वीडियो पूरी ये दिखाते थे ना, ये पूरी वीडियो दिखाते कि हमें पैसे कौन दे रहे, ये तो पैसे कोई गिन रहे, ये कौन है, ये पैसे हमें कौन दे रहे। चलो इनसे पूछे कि चलो ये वीडियो पूरी तो आप बना लेते हैं ना, जब पैसे पूरी वीडियो दिखा देते। जब पैसे दिए जा रहे थे तो उस वक्त कौन उसकी सरबराही कर रहा था, कौन कौन वहां पर? सेंटर फिदा मोहम्मद खान।